मौजूद हूँ अलवर की प्याज मंडी में और यहाँ पर बहुत ही पुराने और चर्चित प्याज के बीज के व्यापारी हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं, पूछते हैं कहाँ कहाँ से जो किसान भाई आ रहे हैं और क्या बीज की पोजीशन चल रही है, क्या भाव चल रहा है बीज का, और आने वाले दिनों में प्याज के बीज के क्या भाव रहने की संभावना है। इन सभी बातों को लेकर आपको मिलवाते हैं रुद्रदार जी से। रुद्रदार जी, आज जो भाव है प्याज के बीज का क्या चल रहा है? प्याज का बीज आज गुजरात वाला 2400 से लेकर 2600 रुपए बिक रहा है, ये सेल कम है। अच्छा, ये बीज है जो कौन सा है? ये गुजरात वाला तलेजा बोलते हैं इसको। तलेजा वाला बीज है? हाँ, लोग बाग नासिक भी बोलते हैं, तलेजा सा आता है ये। अच्छा, बीज गुजरात से आता है। क्या भाव चल रहा है इसका? बाजार 2500 रुपया 2600 रुपया ये बेचा है, बिक्री कम है। बिक्री कम है, ग्राहकी किसान प्याज बहुत कम लगा रहा है। क्या कारण है प्याज? देखो, 2 साल से भारी नुकसान हुआ किसान के, इसलिए कम लगा रहा है। फिर किसान ने 40% एक्साइज ड्यूटी की जो घोषणा करी है उससे किसान डरा हुआ है, इसलिए बुआई कम कर रहा है किसान। कभी ऐसा ना हो हमारे इतनी लागत लग जाए, प्याज का भाव अच्छा नहीं मिले। किसान के 2 साल से भारी नुकसान हुआ है। जो भाव का देसी बीज होता है अलवर में जो पैदा होता है जी, उसका क्या भाव चल रहा है? देसी बीज बहुत महंगा है, वो तो 4000 से 5000 बिक रहा है। अपने पास है? अपने पास है ना वो। तो इसके क्या गाँव में पोजिशन चल रही है? अभी बार बता रहे हैं कि अभी बार बीज है बहुत कम है जी। ये इस साल बीज कम रहा है ना, इस साल बुआई पहले करी थी वो खराब हो गई, दोबारा बोया किसानों ने, फिर आधा कम बीज बोया, इसलिए बुआई। तो कौन सा बीज है? ये अलोरा चाइना किंग है। अलोरा चाइना किंग है जी। इसका क्या भाव चल रहा है? 4800 रुपये। ये कुछ महंगा हुआ क्या? हाँ, महंगा है। क्या कारण है इसका? ये बीज कम था ना इसलिए महंगा है, किसानों का ज्यादा विश्वास इस पर टिका हुआ है। प्याज बीज तो सभी पैदा होगा, गुजरात वाले भी अच्छा पैदा होगा इस साल। ऐसा बताते हैं कि अलवर की जो जमीन है इसको ज्यादा पकड़ती है? हाँ, जमीन का फर्क होता है, इसको ज्यादा पकड़ती है, गुजरात वाले को कम पकड़ती है। कम पकड़ती है, लेकिन अब की बारिश बीज से तो पूर्ति होगी नहीं अलवर की? नहीं, गुजरात वाला भूमि है कि किसान गुजरात वाला पैदा होगा इस साल, बारिश नहीं है, सूखे में अच्छा होता है। ये कौन सा बीज है? ये पचगंगा सरदार है। पचगंगा सरदार है, बहुत छोटा साइज है ये, छोटा साइज। 5000 रुपये बेचा है। 5000 बिक रहा है जी। तो इस साइज का बीज लगाएंगे तो 25000 जमीन में जी, 4 क्विंटल। 4 क्विंटल से? 4 क्विंटल से बिक रहा है। सर जी, प्याज का बीज 5000 के आसपास चल रहा है जी। तो इसको बताते हैं कि बहुत ही पैसे वाली फसल है जी। अलवर में 1 बीघे में 25000 का जो बीघा होता है, कितना खर्चा जाता है? मान लो 25000 में मानो 40000 खर्चा बैठेगा 1 बीघा। 40000 का खर्चा जाता है जब भी तैयार होगी जमीन। तो इसलिए किसान भाई है जो हिम्मत कम कर रहा है, हिम्मत कम कर रहा है। इस बार जी क्या लगता है, इस बार यदि रकबा घटेगा तो प्याज के भाव पर भी कोई असर पड़ेगा? अब पढ़ना चाहिए हिसाब से, तो भाई रकबा तो घटेगा प्याज का, रकबा में तो बहुत रकबा घटेगा इस साल, ज्यादा बुआई नहीं हो रही प्याज का। किसान डरा हुआ, 2 साल से भारी नुकसान हुआ है किसान का। आज कितनी गाड़ियां हैं मंडी में? मंडी में आज 3 गाड़ी लगी। तो कहाँ कहाँ से किसान भाई बीज लेने आ रहे हैं? अपने लोकल भी चल रहे हैं, यूपी से भी आते हैं, इधर सवाई माधोपुर से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, चारों तरफ ग्राहक। प्याज लगाने का उचित समय चल रहा है? हाँ, समय भरपूर, अच्छा समय है। जिस तरह से प्याज लगाई जाती है अलवर में उस तरह से लगी नहीं लग रही, बिल्कुल सोनी रहती है मंडी। आज के मौसम में 20 गाड़ी माल बिकता था, जो 2 गाड़ी बीज बिक रहा है यहाँ पर, सेल नहीं है बीज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके ओके। तो